बहुत अमन श्रीवास्तव और जो उसका आपराधिक गिरोह है वो लातेहार और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में उनके द्वारा लगातार व्यवसायियों से, ठेकेदारों से और खासकर कोयला व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने की कई सारी शिकायतें प्राप्त हो रही थी पुलिस को, और रंगदारी वसूलने के लिए और इस क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए इनके द्वारा विगत कुछ माह में लगातार कई सारी हत्याओं को अंजाम दिया गया, आगजनी को घटनाओं को अंजाम दिया गया, कई कॉल साइडिंग्स पे गोलीबारी की गई, कई व्यवसायियों को फ़ोन के माध्यम से इनके द्वारा लगातार धमकाया जा रहा था और एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश इस गिरोह के द्वारा की जा रही थी। उसी घटना के पश्चात ये जो घटनाएँ हो रही थी इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए डीजीपी महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया और इस टीम में पुलिस अधीक्षक लातेहार के अलावा पुलिस अधीक्षक हजारीबाग, पुलिस अधीक्षक रामगढ़, एसएसपी रांची, इनकी सभी की टीम्स जॉइंटली काम कर रही थी और इस गिरोह को विशेषकर लक्षित करके लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही थी। और एसपी लातेहार पूरी टीम अपनी टीम के साथ इन अन्य जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई लगातार कर रहे थे और इसमें एक बड़ी सफलता लातेहार पुलिस को और इस पूरी टीम को प्राप्त हुई है, जिसमें कि आज सर्वप्रथम अमन श्रीवास्तव गिरोह का एक इम्पॉर्टेंट अपराधी मुकेश साव, इसको गिरफ्तार करने में लातेहार पुलिस को सबसे पहले सफलता मिली। इसको लातेहार से बालूमाथ से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात इसने ना केवल जो विगत दिनों में घटनाएं हुई थी उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी, प्लस जो अन्य अपराधी इस गिरोह में काम कर रहे हैं और इन घटनाओं में शामिल थे उनके बारे में कई सारी जानकारी प्राप्त हुई। और फिर तीन अलग अलग टीम्स में डीएसपी जो हमारे हैं लातेहार जिले के, उनके नेतृत्व में टीम्स बनाकर छापामारी की जा रही थी और बड़ी सफलता के रूप में कुल 11 अपराधकर्मी जो है अमन श्रीवास्तव गिरोह के जो शूटर्स हैं और जो इस गिरोह के लिए रंगदारी वसूलने का काम कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी करने में लातेहार जिला पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। जो मुकेश साहब है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके कथनानुसार और उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके बाद राजेश मिश्रा, संजय गंजू और अंकित नाथ शाही, इन तीन अपराधकर्मियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया चंदवा से। बेसिकली बीरा टोली कोल साइडिंग से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और फिर राजेश मिश्रा जो अपने आप में जिसकी काफ़ी आपराधिक गतिविधि रही है और कई सारी घटनाओं में संलिप्तता रही है, उसकी सूचना पर महमूद मियाँ, महमूद आलम नेपाली, रजक अंसारी, सौरव सिन्हा, अमरजीत पासवान, कुर्बान अंसारी और सुदर्शन नाई, इन अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से अभी तक 7 हथियार अलग अलग बोर के, जिसमें कि 3 9mm पिस्टल है, एक 7.62 का पिस्टल है और अन्य देशी हथियार है, और 70 गोली और जो अपराध में इस्तेमाल किए गए 4 मोटरसाइकिल और 12 मोबाइल बरामद किए गए हैं। जो इनके द्वारा पूछताछ के क्रम में बताया गया हाल की जो कुछ घटनाएं हैं जिनमें इस पर्टिकुलर गिरोह में गिरोह ने जिन घटनाओं को अंजाम दिया है उसमें 2018 में बरही में फोर लेन रोड का जो काम चल रहा है वहां के कॉन्ट्रैक्टर का अपहरण कर
उससे लेवी वसूलने का काम इन्हीं अपराध कर्मियों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बालुमा थाने में फुलवसिया कोल साइडिंग में भी इनके द्वारा दहशत फैलाने के लिए आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया था। उरीमारी में 2019 में जो बिरसा कोलेरी के विस्थापित संघ के नेता सोनाराम माझी उनके उनको उन पर अटैक इस आपराधिक गिरोह के द्वारा किया गया था। उरीमारी में ही न्यू बिरसा कॉलोनी में विस्थापित संघ के नेता दसई माझी पर गोली चलाया गया था, वो इसी आपराधिक गिरोह ने किया था और ये सभी अपराध कर्मी उसमें शामिल थे। उसके बाद बड़का गांव थाना में प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की साइट पर भी गोलीबारी की घटना को अंजाम इसी ग्रुप के द्वारा दिया गया था। 2019 में ही मुफस्सिल थाने के चानो रोड में सड़क निर्माण कर रहे कंपनी के इंजीनियर का हथियार के बल पर अपहरण कर उससे रंगदारी मांगने की घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया गया था। 2019 में ही उरीमारी में हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी में इनके द्वारा अटैक करके इंजीनियर वहां जो कार्यरत थे उनको गोली मारकर घायल किया गया था। 2019 में बालुमा थाने में कोयला व्यवसायी जुगल गंजू की हत्या में ये सभी अपराधकर्मी शामिल थे और इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। वैसे ही 2019 में बालुमा चंदवा थाने में कोयला व्यवसायी रवि गंजू पर भी इनके द्वारा अटैक किया गया था और गोली चलाया गया था, जिनमें वो जिस घटना में वो बाल बाल बच गए थे। तो एक बहुत बड़ी सफलता लातेहार पुलिस को प्राप्त हुई है और इसमें ये कुल 11 अपराध कर्मी जो कि अमन श्रीवास्तव ग्रुप के इम्पोर्टेंट सदस्य थे और अमन श्रीवास्तव के निर्देश पर लगातार इस क्षेत्र में खासकर चतरा हजारीबाग और लातेहार का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उन्हें गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इसमें से मुकेश साव उर्फ प्रभात जी जिसको जो सर्वप्रथम गिरफ्तार हुआ था उसका आपराधिक इतिहास रहा है, उसमें उस पर अभी तक के जो हमारे उपलब्ध अभिलेख है उसके हिसाब से 9 केस अलग अलग क्षेत्रों में हजारीबाग और लातेहार के क्षेत्रों में दर्ज है, जिसमें कि हत्या रंगदारी आर्म्स एक्ट इत्यादि के केस हैं। महमूद मियां उस पर भी चंदवा थाने में आपराधिक कांड दर्ज है और जो कुल गिरफ्तारी के बाद जो बरामदगी इनके पास से हुई है उसमें जैसे बताया मैंने 4 पिस्टल है, उसमें 3 9 mm के हैं और एक 7.62 का पिस्टल है जिसके द्वारा इन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया था। इसके अलावा देसी हथियार 3 है, कुल 70 राउंड अलग अलग बोर के जब्त हुए हैं, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल 5 जो कि आपराधिक गिरोह के द्वारा अपनी घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे वो भी बरामद हुए हैं। इस पूरे टीम का जो पूरा अचीवमेंट है उसमें एसपी लातेहार और उनकी पूरी टीम के अलावा एसपी हजारीबाग एसएसपी रांची और उनकी टीम्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक संयुक्त रूप से कोऑर्डिनेटेड वैसे इस पूरे एक्शन को इन्होंने अंजाम दिया है और उस गिरोह को चोट पहुंचाने में ये बहुत एक बड़ा इम्पोर्टेंट कदम रहेगा पुलिस का और जो इस पूरे अभियान में जिसमें गिरफ्तारी संभव हो पाई है उस पूरे अभियान पर में जो शामिल पदाधिकारी थे उसमें एसडीपीओ बालुमात रणवीर सिंह, एसडीपीओ लातेहार बीरेंद्र राम, एसडीपीओ महुआटाट रतिभान सिंह, चंदवा थाना प्रभारी मदन शर्मा, लातेहार थाना प्रभारी अमित गुप्ता, बालुमात थाना प्रभारी सुभाष पासवान, हिरहंज थाना प्रभारी नित्यानंद कुमार, मनिका थाना प्रभारी प्रभाकर मुंडा और उनकी पूरी टीम का बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है और जो सरगना इसका बचा हुआ है अमन श्रीवास्तव उसकी गिरफ्तारी के लिए भी यह अभियान लगातार चलेगा।
झारखंड का नंबर वन एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर फोर्थ फ्लोर सर्कुलर रोड रांची।